सीकर के दाता कस्बे में स्थानीय प्रशासन की बेरुखी से आम जन और यहां से गुजरने वाले राहगीर हर कोई परेशान है। इससे 30,000 की आबादी वाले कस्बे के हाल बेहाल है और स्थानीय सभी विभागों के अधिकारी, पुलिस महकमा और चिकित्सा विभाग भी परेशान है। पहला मामला है बस स्टैंड का, जहां सरपंच की खुली छूट के चलते ठेले वाले जमकर गंदगी कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन के कार्मिक सरपंच की ढिलाई का फायदा उठाकर सफाई करने में भी कन्नी काट रहे हैं, जिससे बस स्टैंड स्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में आने वाले सैकड़ों मरीज धीरे धीरे आना बंद कर रहे हैं। तो वहीं बस स्टैंड पर गंदगी से यहां से गुजरने वाले लोग भी रास्ता बदलने को मजबूर हैं। वहीं गर्मियों के मौसम में जहां पेयजल के लिए राज्य सरकार के स्तर पर काफी व्यवस्थाएं हैं, वहीं स्थानीय पुलिस थाने के आसपास पानी की एक बूंद नसीब नहीं होती। स्थानीय थाने में भी पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है और पुलिसकर्मियों को अपने निजी रकम से पानी के टैंकर डलवाने पड़ते हैं। आसपास पे जितनी ठेले वाला है, सब्जी बेचने वाला, सब यहाँ आके कचरा फेंकते जाते हैं। पेशेंट यहाँ आना ही बंद हो गया, बदबू देते हैं, सब प्रॉब्लम फेस करते हैं और हमको आके बोलते हैं। मैंने यहाँ तो सबको बोल दिया, सरपंच के लेके सबको, सब नेता लोग भी आते हैं दिखाने के लिए, लेकिन